कि ये लड़ाई सिर्फ हाउस टैक्स की नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली के गांव देहात को बचाने की लड़ाई है। इसके अंदर दिल्ली के 360 गांव को एक होना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद है पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी में, जहां पर दिल्ली के जो 360 गांव हैं, जो दिल्ली की सीमाओं पर बसे हुए हैं, और कुछ गांव हैं जिनमें बड़ी संख्या में जो किसान अभी भी किसानी कर रहे हैं, उनसे जुड़े सवाल हैं, खासतौर पर हाउस टैक्स के सवाल हैं, या उनके जो ग्राम पंचायत की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन थी जो लाल डोरे के तहत थी, जिसको सरकार शहरीकरण के नाम पे DDA को दे रही है, उन सवालों को लेकर जो उनके सवाल है, क्योंकि उनका कहना है ये जो जमीन थी वो गाँव के विकास के लिए थी, लेकिन सरकारें उन्हें अपने इस्तेमाल कर रही है, जिससे गाँव का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। इनका कहना है शहरीकरण के नाम पर गाँव को लूटा जा रहा है। इसके खिलाफ एक महापंचायत हो रही है, जिसमें लगभग सभी गांवों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, और इस पंचायत को 360 दिल्ली देहात गांव सर्वजातीय महापंचायत का नाम दिया गया है, जिसमें इनकी केंद्र सरकार से भी मांगे हैं, राज्य सरकार से भी मांगे हैं, और इनका साफ कहना है अगर सरकारों ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। ये एक पहली एक तरीके आंदोलन की कड़ी है, पहली शुरुआत है, महापंचायत है। इसमें हमने जो गाँव के खाप पंचायतों के नेता उनसे बात करी, पंचायत में शामिल आम किसानों से बात करी, उनकी क्या समस्याएं हैं और इस पंचायत को वो लोग कैसे देखते हैं। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। जिस तरीके से गाँव की हालत, दिल्ली के अंदर 360 गांव है, उनकी हालत ख़राब होती जा रही है और दिल्ली के गाँव को स्लम बना के छोड़ दिया गया है, उसी सब को देखते हुए हमने पंचायत बुलाई है। और इसमें हमारे विशेष तौर के कुछ 7-8 मुद्दे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के गाँव के ऊपर लाल डोरे में और एक्सटेंडेड लाल डोरे में हाउस टैक्स के नोटिस थमाए जा रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब 1908 के अंदर लाल डोरे का प्रोविज़न किया गया, उस टाइम भी अंग्रेजी हुकूमत ने भी उन लाल डोरे के अंदर की आबादी को, गांव की आबादी को सभी टैक्सों से माफ़ रखा गया था। लेकिन आज की हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी गांव के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर दिल्ली बसी और हमने दिल्ली के डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया, और हमारे ऊपर इस तरह से नोटिस थमाए जा रहे हैं। चाहे हमारी धारा 81-33 की बात करें, वो हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, या जिस तरीके से हमारे ग्राम सभा की भूमि को जो है वो DDA के सुपुर्द किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तय किया है कि हम ग्राम सभा की भूमि DDA को नहीं देंगे, उस पर हमारा अधिकार है, गांव का अधिकार है। किसी कानून में नहीं लिखा कि वो सरकारी भूमि है, वो गांव की अपनी भूमि है और उसको हम नहीं देंगे। इस तरह के अनेकों मुद्दों के ऊपर हमने बुलाई है और आगे की रूपरेखा बनाएंगे, और एक लंबे रूप में एक बड़ी रणनीति के तहत दिल्ली के गाँव एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। चाहे हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर घेरना पड़े, चाहे हमें राज्यपाल का घर घेरना पड़े, हम अपने हक और अधिकार लेके रहेंगे। तो गांव की बुरी हालत है, गांव में कहीं सीवर का, कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सड़कें नहीं है, बहुत बुरा हाल है। देखिए, नांगलोई गांव और आसपास दिल्ली के सभी गांवों वाले लोग चाहते हैं कि ये यहां के मूल निवासी हैं तो इनके रेजिडेंस जो हैं उन पर हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं भी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि उन पर हाउस टैक्स ना लगे, लेकिन जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पर हाउस टैक्स लगे। और जैसे अभी MCD उनसे 20 साल का हाउस टैक्स मांग रही है, मैं चाहूँगा कोई सरकार ऐसी पॉलिसी लाए, MCD कोई ऐसी पॉलिसी लाए जिसमें पिछले 3 साल का हाउस टैक्स लेकर उनका पीछे का हाउस टैक्स माफ़ कर दिया जाए। इसी तरह हम केंद्र सरकार से अपने गांव के लिए मालिकाना हक मांगेंगे, क्यों दिल्ली के किसी भी गांव के लाल डोरे के अंदर जो ज़मीन है उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। अगर हमें वो ज़मीन अपने नाम करानी है तो हमें रजिस्ट्री करानी पड़ती है। तो मैं केंद्र सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा, और ये दिल्ली की सारी पंचायतें ये अनुरोध कर रही हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली के गांव वालों को उनका मालिकाना हक दे। देखिए, गांव देहात के लोगों के साथ शुरू से अन्याय होता आया है। ये अन्याय आप देखेंगे कि ज़मीनें इनकी थी वो चली गई, और वो किस रेट पर गई ये सबको पता है कि कौड़ियों के मोल वो ज़मीनें गई हैं। आज जो अरबों खरबों की ज़मीनें हैं जिन पर पूरा दिल्ली बसी हुई है, DDA फ्लैट्स बने हुए हैं और प्लॉट कटे हुए हैं, कोठियां बनी हुई हैं, लेकिन इन लोगों की स्थिति क्या है? इनके बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, इनके बच्चों की शिक्षा के साधन खत्म किए जा रहे हैं, इनके यहाँ पर जो स्कूलों की ज़मीनें थी उनको भी गवर्नमेंट हथिया रही है। तो तरह तरह से गाँव देहात पर आक्रमण होते रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से ही। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस समस्या को कोई भी
समझा सुलझाने की कोशिश नहीं करता। वोट के चलते तो ये लोग बात उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वोट मतलब चुनाव खत्म होते हैं, इनकी स्थिति वहीं की वहीं रहती है। आप देखेंगे कि गांव देहात के किसी भी गांव में आप जाकर देखिए, वो जो सुविधाएं होनी चाहिए उनके नाम पर ना इनके बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, ना इनके पास दूसरी व्यवस्थाएं हैं, ना कोई कॉलेज ऐसे हैं कि जो गांव के बच्चों के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। तो हमारी ये मांग है कि इनके ऊपर शहरीकरण के टैक्स तो सारे लगा दिए, सब तरह के टैक्स इन पर लगाए जाएंगे, लेकिन इनकी जो डेवलपमेंट की और दूसरी दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है। सारी दिल्ली बसी हुई है इन्हीं के दम पर, लेकिन इसके बावजूद भी समस्याएँ ये भुगत रहे हैं। इनके साथ हैं, इनके साथीगण हैं, सभी सम्मानित अपने देहात वासियों का इस प्रांगण में बार बार। जब शहरीकृत गांव होता है तो दिल्ली के मास्टर प्लान में हमारा लैंड रिफॉर्मेंट में 150 है और 507 कॉरपोरेशन की धारा है। जिस दिन ये लागू हो जाएंगे वो जमीन गांव सभा की सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज से बहुत पहले नोटिफिकेशन है, उनके पास कोई ये अंजाम नहीं था कि उसका क्या करते। उसको उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब कमिश्नर होता था पूरे उनको दे दिया। अब हमारा कहना ये है कि ये ज़मीन उन गांव की जिनकी भी गई है वो उस गांव की रही है, चाहे वो मुआवजा मिला उस गांव की है। आप उनमें कोई फ्लैट बना दोगे, आप BWS को दे दोगे, वो नहीं है। जिन गांव के पैसे और जिन गांव की ज़मीन, दो चीज़ है ना। कुछ गांव का मुआवजा मिला है ग्राम सभा का, वो तो प्लान में चला गया, लेकिन जो ज़मीन पैसे की या मुआवजे का पैसा, वो मेरे ख्याल से 400 करोड़ रुपये हो चुका, डिफरेंट बैंक में RTI से लिस्ट दिया उन्होंने, तो वो है। हम ये कह रहे हैं, वो LG से हम बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं हम कि भाई ये आप इसको, मैं आपको शो करता हूँ कि हमारे इस पैसे को कैसे कब लगाओगे। कह रहे तो ऑर्डर कर देते हैं कि LG जाने दे ही नहीं रहे हमें। ये देखो ना, प्रावधान है, ये हम पूछ रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा चला जाता है उसको ये दे दो, ये इस धारा के अंदर जाता है, ये ऑर्डर दे देते हैं कि LG का ऑर्डर है। भाई LG का ऑर्डर है तो हमें उस पैसे को कहाँ लगाओगे, हमारा कहना ही है। दिल्ली के किसानों को तो मिलनी चाहिए, वो पूरे देश के। मैं पिछले 5 साल से गांव में रह रहा हूँ और देखने को आ रहा है गांव में कोई पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, कोई बच्चों के लिए खेलने का मैदान नहीं है, जबकि कंझावले गाँव के अंदर ग्राम सभा की काफ़ी मात्रा में ज़मीन थी और यहाँ पे लाल डोरा एक्सटेंड किया गया। लेकिन गांव के लिए जो आम सुविधाएं हैं, बुज़ुर्गों के लिए कम से कम एक ओल्ड एज होम टाइप पार्क, खेलने कूदने के लिए, घूमने फिरने के लिए जो सरकार ने संस्थाएं बनानी थी वो कोई काम नहीं किया। मैं टैक्स पे कर रहा हूँ 18,000 रुपये महीने का आउट ऑफ माय पेंशन, उसका कहाँ उपयोग हो रहा है। मेरे गांव के अंदर कूड़ा डालने की भी जगह नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर भी नहीं है, और ये सब सुविधाएं कम से कम हमारे गांव की ज़मीन के ऊपर सरकार ने क्रिएट करनी चाहिए। ज़मींदार जो है करीबन ज़मींदार मजदूरी करता है, करीबन ज़मींदार छोटी या नौकरी करते हैं, करीबन ज़मींदार जो है प्लॉट वगैरह का इधर उधर कर लेते हैं, कुछ ज़मींदार जो है सरकारी नौकरियों पर हैं उनका काम जो है ठीक है, लेकिन जिस ज़मींदार का ज़मींदारे पर काम है वो ज़मींदार, उस ज़मींदार की आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर है। मैं जो है 150 बीघे का ज़मींदार हूँ, मैं मुश्किल से अपना काम गुजारा करता हूँ और जो है उसमें खेती में इतना खर्चा आ जाता है कि मैं उस खेती के खर्चे को पूरा नहीं कर सकता। सरदार VM सिंह मेरे साथ में है, सरदार VM सिंह जी का फार्म मेरे साथ में है, वरुण गांधी के मामा जी है वे, उनके उसमें इतना खर्चा आ जाता है कि वो बराबर छूटते हैं। और मैं ये चाहता हूँ किसी प्रकार भी कुछ तो हमें सहायता दी जाए, हमें बिजली की सहायता दी जाए, हमें खाद की सहायता दी जाए, हमें पानी की सहायता दी जाए। मोदी सरकार जो है, हमने ये कर दिया मोदी सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन
सरकारी तंत्र अपनी जगह ठीक काम नहीं कर रहा, ना वीडियो काम कर रहा, ना तहसीलदार काम ठीक कर रहा, और जो है जो सुविधा सरकार से हमारे पास आती है वो सुविधा हमारे पास नहीं पहुंच पाती।